कर दे। एंट्री वहां से चले। Moria. गणपति आ जुड़ी। गणपति बाप्पा। Moria. वेट। एक बार वहां पे आ जुड़ जा। बस वेट ऐसे रही। आ जुड़। गणपति बप्पा थैंक यू। जय मैं बाहर हूँ, बाहर बैठ करूँ आपका। हाँ तो ऐसी हाँ गणपति का पावन त्यौहार शुरू हो चुका है, आप आइए पंडाल पे। क्या मांगा गणपति से आपने? सूर्यवंशी तो आपका हिट था ही, और आप उसका हिस्सा थे, अभी आगे क्या? देखिए हम हमेशा कहते हैं कि भगवान के पास कुछ मांगना नहीं जाना चाहिए, सिर्फ दुआ लेनी चाहिए। तो मैंने बस प्रार्थना की है। ऑब्वियसली मैं यही चाहूँगी, क्योंकि आजकल बॉक्स ऑफिस हिट्स कम ही हो रहे हैं, सूर्यवंशी उनमें से एक थी। मैं कहूँगी किस्मत वाली थी, क्योंकि उसके बाद बहुत कम पिक्चरें चली हैं। अब मेरी एक और पिक्चर आने वाली है विद्यु जामवाल के साथ, IB71 नाम है। गाजी अटैक संकल्प रेड्डी जिसने डायरेक्ट की थी उस फिल्म, वही सेम निर्देशक हैं। आई होप कि वो थिएटर में रिलीज़ हो और वैसा ही कमाल करे जैसे सूर्यवंशी और टोटल धमाल ने कमाल किया था, लेकिन मुश्किल लगता है। काफ़ी ट्रेडिशनल ड्रेस में आई हैं, बहुत ही इंडियन आउटफिट में आई हैं आपका दोनों अवतार। एक तरफ मालदीप जाती हैं आप और एकदम ग्लैमरस फोटोशूट कराती हैं, और एक तरफ ये इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस, कुछ बताइए क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर आर्टिस्ट को ना अपने एक्सट्रीम्स पता होनी चाहिए। तो मेरी एक्सट्रीम्स और मेरा रेंज मैं जानना, मतलब मैं, मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा है मेरा रेंज। तो मैं एक हॉट अवतार में भी नज़र आ सकती हूँ, एक बहू के अवतार में भी नज़र आ सकती हूँ, एक बहन के रूप में भी नज़र आ सकती हूँ, एक आज्ञाकारी पुत्री के नज़र में, मतलब अवतार में भी नज़र आ सकती हूँ। मैं हर अवतार में नज़र आ सकती हूँ, ये एज अ कलाकार मैं मानती हूँ। तो आई होप कि वो पर्दे पे एक दिन दिख जाए। अक्षय सर के साथ काम किया, अभी विद्यु के साथ काम कर रहे हैं, दोनों मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं और दोनों काफ़ी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्शन, क्या कहना चाहिए, कितना सीखा आपने मार्शल आर्ट या एक्शन दोनों से? बहुत ज़्यादा, विद्युत से तो बहुत ही ज़्यादा सीखा मैंने, क्योंकि वो बहुत कोरियोग्राफी भी करते हैं। उनके सारे जो स्टंट्स होते हैं ना अपने खुद के फिल्मों में, वो खुद ही करते हैं। तो बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, उनसे धीरज, उनसे कामनेस, उनसे फोकस। उन्होंने मुझे एक बात बोली है कि देखो 4 बजे सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षय कुमार से मैंने ये सीखा है कि सुबह उठो, रूटीन अपना शुरू करो जल्दी। और मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं स्मोक नहीं करती, मैं चाय वाय पीती हूँ हाँ, लेकिन वो तो बिल्कुल कुछ ही नहीं करते, उनका हेल्थ डाइट रूटीन बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे वो सीखा है। विद्युत से मैंने ये सीखा है कि देखो आप 4 बजे सुबह उठिए या फिर आप 10 बजे शाम को कीजिए, लेकिन करना ज़रूरी है,
ये बात मैंने उनसे सीखी है, तो ये अंतर है उन दोनों के बीच में। आजकल वुमेन ओरिएंटेड फिल्म का जमाना है, आपने अगर बड़े स्टार्स के साथ काम किया तो जो कवरेज होता है, जो इम्पैक्ट होता है वो छोड़ते हैं, आप समझते हैं क्या कहना। हाँ जी, तो आप नहीं चाहते कि आप पे केंद्रित कोई फिल्म बने जिसमें सिर्फ आप ही लीड करें और हाँ? आप ही आप नजर आए, और वो रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में। मैं ये ना नहीं चाहती कि सिर्फ मैं ही दिखूँ, मैं चाहती हूँ कि एंसेंबल कास्ट रहे, मैं चाहती हूँ कि मैं आज के भी दौर के, पुराने दौर के भी सब एक्टरों के साथ काम करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ही दिखूँ, मैं ही छा जाऊँ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ कि सिनेमा का जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का हिस्सा बनूँ मैं अच्छे तरीके से। और हाँ, मैं लीड चाहती हूँ लेकिन वो सबको मिलता नहीं है, तो मैं भी कोशिश में हूँ और अभी भी कोशिश जारी है, तो देखो अगर आगे जाके मिलता है कि नहीं। तो लास्टली पढ़ लीजिए, आपका मतलब क्या एम रहेगा आपका आगे चल के, किस तरह का, आप जैसा माहौल है वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स का, तो कोई किरदार हो या कोई डायरेक्टर हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं विशाल भारद्वाज के साथ काम करना चाहूँगी, मैं प्रोडक्शन हाउस के या स्टूडियो के बेसिस पे रॉनी स्क्रूवाला के साथ काम करना चाहूँगी। वो जैसे अभी कृति सनोन को बेस्ट एक्ट्रेस मिला फिल्म फेयर में मिम्मी के लिए, उसने बहुत अच्छा रोल किया, तो ऐसा अगर कोई रोल मुझे मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी, आप भगवान इतना खूबसूरत बनाए, आपको कुछ भी पहनती है तो अच्छी लगती है, लेकिन ये पर्टिकुलरली ड्रेस बताइए कौन डिज़ाइन किया आपको और क्या करना चाहिए, क्या खासियत है ड्रेस की? ये ड्रेस एक बेबी पिंक अनारकली है, प्योर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस है, रिचा हावरे ने डिज़ाइन किया है, राजकुमारी उनका शोरूम है जो वाशी में है। तो मैं रेकमेंड करूँगी जिसको भी बहुत सुंदर डिज़ाइंस और कस्टमाइज और सुंदर ब्लाउजेज अगर चाहिए हो तो वो रिचा हावरे के पास वाशी में जाइए, राजकुमारी शोरूम के पास। बहुत सुंदर ड्रेस है, थैंक यू सो मच रिचा।